चीन से हुई शुरुआत, दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। भारत भी इससे अछूता नहीं है और बिहार भी। बहरहाल बिहार में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाए गए हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति भयावह है। क्या है तो पूरे बिहार में सभी विद्यालयों, कॉलेजों एवं पब्लिक प्लेसेस, जस्ट लाइक सिनेमा घर हो या जू हो, इन सभी चीज़ों को 31 मार्च तक बंद रखा गया है। 15 मार्च से होने वाले शहीद मुन्ना किशोर व जावेद की याद में जो JNKT के मैदान में टूर्नामेंट होना था अंतर्राज्यीय, वो भी स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक कोरोना वायरस को देखते हुए। जितने स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल सहित जितने भी प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। वहीं खगड़िया सदर अस्पताल को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। आज खगड़िया जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने खगड़िया सदर अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। आपको बता दें 5 बेडों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है ताकि कोई भी संक्रमण, अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कोई भी केसेस आता है तो वहाँ पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जा सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, अगर छींक बार बार आ रही है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं और जागरूकता, स्वच्छ, हर हमेशा स्वच्छ रहें। स्वस्थ रहने के लिए कहा जाता है कि स्वच्छ रहना बहुत ही जरूरी है। अपने आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है, अगर कचरों का अंबार पड़ा है तो आज खुद को जागरूक करने की जरूरत है। उन सभी चुनौतियों से खुद लड़ने की आवश्यकता है। बहरहाल इन बीमारियों से निपटने की तैयारी को लेकर के जागरूकता सबसे मस्ट हो जाता है। आप किसी को भी फोन करते हैं तो कोरोना के वायरस की जो है जागरूकता को लेकर के कॉलर ट्यून आपको सुनाई पड़ता है, तो आज समय अपने आप में भी इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। अपने आप में जागरूकता लाने की जरूरत है कि हम कितना अच्छे से स्वच्छ रहते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कितना स्वच्छ बनाते हैं, क्योंकि बीमारी यह एक संक्रमण बीमारी है, महामारी की जैसी उत्पन्न स्थिति होने वाली है इन सभी चीज़ों से। और इनको लेकर के अफवाहें भी कई सोशल मीडिया पर जो है फैलाए जाने की आशंका है, तो हम लोगों को बचने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ जहां भीड़ इकट्ठा जैसी जो संक्रमण वहां भी फैलने की ज़्यादा स्थिति रहती है, जहां पर कि भीड़ इकट्ठा हो तो हर लोगों को भीड़ से बचने की जरूरत है। वहीं बिहार सरकार यह भी इस पर भी विचार कर रही है कि ऑफिस, दफ्तर में जिन अधिकारियों से भीड़ और ताता लगा रहता है उन अधिकारियों का भी शिफ्टिंग करने पर, जो दिन के बाद एक दिन की ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। वहीं बिहार सरकार के BSDM, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत जो भी कुशल युवा प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। वहीं खगड़िया के सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए कैसे हमें क्या करना चाहिए, जरा आप सुनिए और क्या तैयारी है खगड़िया सदर अस्पताल में। अरे खगड़िया में कोई ऐसा नहीं है, कोई कोरोना वायरस की का या कोरोना से इफेक्टेड कोई भी लोग नहीं हैं, लेकिन रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग खगड़िया अलर्ट है। इसके लिए सदर अस्पताल खगड़िया में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। साथ ही राज्य स्तर से खगड़िया जिला को यूनिवर्सल प्रोटेक्शन किट N95 एवं ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध कराया गया है ताकि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिलने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा जा सकता है, खासकर हैंड वॉश और भीड़ भाड़ इलाकों से बचकर रहना, छींकते या खांसते समय मुंह को ढकना, साथ ही जो हाथ मिलाने की प्रथा थी हम लोग के यहाँ तो बहुत है नहीं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि आप खांसते हैं और आपके हाथ पर चला जाता है और फिर उसको आप आँख नाक में ले जाते हैं, छूते हैं या दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ये इन्फेक्शन
बढ़ सकता है दूसरों को। सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।